वेल हेलो गाइस, आज हमें शास्त्री सर्कल पे स्थित शास्त्री स्वीट्स पे, आज हमारे साथ शास्त्री स्वीट्स के ओनर सागर विधवानी है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि शास्त्री स्वीट्स कितने टाइम से चल रही है। जी, शास्त्री स्वीट्स मेरे दादा ने 1972 में इस्टेब्लिश की थी और आज हमें 47 ईयर्स हो गए हैं शास्त्री सर्कल पर। जी, और मैं इस लाइन में थर्ड जनरेशन हूँ। फर्स्ट मेरे दादा थे, सेकेंड जनरेशन मेरे फादर ने सब संभाला, उसके बाद थर्ड जनरेशन में अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी, तो अपने यहाँ किस किस तरीके की मिठाइयाँ बनती है? हमारे यहाँ मेनली तो बेस्ट सेलर जो हैं वो है रसमलाई, अलवर पाक और मलाई बर्फी, और दूसरा है हमारे यहाँ नमकीन में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और जैसे आप देख सकते हैं कि अलवर पाक है, मिक्स नमकीन है, और मठरीज में बहुत सारी रेंज मिलेगी, खाकरा मिलेगा, बहुत सारी नमकीन में हम डील करते हैं। तो अपने यहाँ पे शास्त्री स्वीट्स पे शुद्धता का, हाइजीन का कितना ध्यान रखा जाता है? हाइजीन और क्वालिटी का ही सबसे मेन मैटर, ही मोटो ही हमारा वो रहता है कि हम हाइजीन और क्वालिटी में ही ध्यान रखें। तो ये जो मिठाइयों की प्रिपरेशन है, अलवर पाक और रसमलाई जैसा आप बता रहे हैं, उसकी तैयारी किस तरीके से होती है? अलवर पाक और नॉर्मली हमारा वर्कशॉप सुबह 9 बजे खुल जाता है, उसके बाद सबसे पहले अलवर पाक और दूसरी स्वीट स्टार्ट होती है। अलवर पाक हो गया, रसमलाई हो गई, मलाई बर्फी हो गई, सबसे ज़्यादा जो डिमांड में रहता है और सबसे ज़्यादा जल्दी ख़त्म होता है वही हम सबसे पहले बनाते हैं। 2 बजे लंच होता है, 2 बजे के बाद हम काजू की स्वीट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नमकीन की प्रिपरेशन होती है और 8 बजे तक हम वर्कशॉप क्लोज कर देते हैं। जी, तो शास्त्री स्वीट्स पे जैसा कि हम जानते हैं गरम नाश्ता भी मिलता है, तो गरम नाश्ते में क्या क्या मिलता है? गरम नाश्ते का हमने एक सेक्शन पास में करा हुआ है, 7 बजे के आसपास हम पास में ओपन कर देते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट होने के बाद 8 बजे से हम ग्राहक को सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। कचौरी, समोसा, प्याज कचौरी, पोहा, फाफड़ा हमारे यहाँ अवेलेबल रहता है। मेन हमारे यहाँ केसर लस्सी बहुत फेमस है, और हमने स्टूडेंट्स देखते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं और पीजी वाले लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके हिसाब से हमने शेक भी इंट्रोड्यूस कर रखे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे शेक्स हमारे यहाँ, ओरियो शेक, फ्रूट शेक, काफ़ी शेक्स हमारे यहाँ मिलेंगे आपको, और केसर श्रीखंड बनाते हैं हम प्योर केसर में, वो हमारे यहाँ का स्पेशल। तो प्राइस रेंज क्या है शास्त्री मिष्ठान पे, किस किस तरह स्वीट्स? हमारे यहाँ नॉर्मली 380 से स्टार्ट हो जाती है, और नमकीन हमारे यहाँ 180 से स्टार्टिंग हो जाती है। मैं आपको अलवर पाक और रसमलाई टेस्ट कराने वाला हूँ, जो हमारे यहाँ के बेस्ट सेलर है। आप टेस्ट करिए और फिर मुझे बताइए आपको कैसा लगा। जी, अलवर पाक, ये हमारे यहाँ का अलवर पाक है स्पेशल, इसे बनाने के लिए कम से कम 4 घंटे लगते हैं। आइए चलते हैं, टेस्ट करते हैं इसको। तो आप जैसा बता रहे हैं कि इसको बनने में कितना समय लगता है? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे लगते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है ये मिठाई, इसके अंदर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू बादाम वगैरह डाले हुए हैं, और काफ़ी अच्छा इसका स्वाद है, बहुत प्योर है, और स्वाद में आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ की, हमारे यहाँ की रसमलाई खिलाऊंगा जो प्योर केसर में बनती है, आप टेस्ट करिए। इसकी प्रिपरेशन ऐसे होती है जी, प्योर केसर में बनती है जी, और केसर पिस्ता रसमलाई है, हमारे यहाँ की बहुत फेमस डिश है, बहुत ही स्वादिष्ट, मज़ा आ गया। तो जैसा कि हम जानते हैं सर्दी आ चुकी है, तो सर्दियों के लिए शास्त्री स्वीट्स पे क्या स्पेशल बना है? सर्दी में हम गजक बनवाते हैं, बहुत सारी वेराइटीज बनवाते हैं, इस बार हमने वनीला गजक बनवाई है। वनीला गजक नॉर्मली गुड़ से बनती है, पर खाली इसका वनीला चॉकलेट का बेस लगता है, बच्चे क्योंकि चॉकलेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं जी, मिठाई खाते नहीं हैं, तो उनका बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है कि आप गजक के गजक भी खिलाएं और उनके साथ चॉकलेट भी। उदयपुर वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इतने वर्षों से आपसे जुड़े हुए हैं? हम ये कहना चाहेंगे कि हम आपको इतने टाइम से सर्व करते आ रहे हैं, आगे भी आप हमें मौका दीजिए, हम आगे आपको कभी भी क्वालिटी में कभी भी आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ 2 साल से आ रही हूँ मैं, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी दूसरी जगह पर भी गए हुए हैं, पर यहाँ जब से आने लगी हूँ तब से मेरी सारी चीज़ें छूट गई, और क्योंकि रसमलाई मेरी फेवरेट है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि रसमलाई का टेस्ट यहाँ के अलावा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मेरे को आते आते 7 साल हो गए, 7-8 साल हो गए यहाँ पे, मतलब देसी घी की मिठाई, और भले ही नमकीन हो, मिठाई हो, मतलब स्वाद अच्छा है, और मतलब मिलावट नहीं है कुछ। मैं यहाँ पर शास्त्री स्वीट्स पर ना बटरस्कॉच शेक पीने आई हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, और प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, 50 रुपीज़ ऑनली। मैं पिछले 5 वर्षों से शास्त्री स्वीट्स पे आ रहा हूँ, और यहाँ से बराबर मिठाइयाँ परचेज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे जितनी भी मिठाइयाँ क्वालिटी और सारी वो बहुत ही अच्छी है। मैं यहाँ लगभग 35 सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ की सारी मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी है, और स्पेशल जो फ्रेश मिठाई बनती है सर्दियों में, गाजर हलवा, मूंग हलवा, काफ़ी अच्छे होते हैं, और सारी मिठाइयाँ बेहतरीन है। ये उसमें तो नहीं हो रहा है, चालू है डाल रहे नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा आ जाएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह, एक नए दिन और कई सारे नए सरप्राइजेस के साथ।